वॉलीबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खेला है या खेलने की कोशिश ज़रूर की है। बट अगर बाकी स्पोर्ट से कंपेयर करें तो वॉलीबॉल की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा कभी दिखी नहीं है। हम नेशनल टीम को टीवी पर ज़्यादा नहीं देखते, कोई लीग्स पॉपुलर नहीं है और अनफॉर्चुनेटली प्लेयर्स के नाम भी बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है। बट फाइनली इंडियन वॉलीबॉल फैंस के लिए एक अच्छी न्यूज़ आ रही है विद द अनाउंसमेंट एंड लॉन्च ऑफ द प्राइम वॉलीबॉल लीग। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं द ऑल न्यू रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग से जुड़े हर एस्पेक्ट की और कैसे ये लीग इंडियन वॉलीबॉल प्लेयर्स और फैंस के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इंडियन स्पोर्टिंग इकोसिस्टम से रिलेटेड बहुत सारा इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट हम ला रहे हैं। अगर आप भी हमारे जैसे ही स्पोर्ट्स फैंस हैं तो सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स सर्कल को और इस ग्रोइंग फैमिली का हिस्सा बने। बैक टू द वीडियो। बेसलाइन वेंचर्स जो इंडिया की एक लीडिंग स्पोर्ट्स मार्केटिंग फर्म है, तुहिन मिश्रा और जॉय भट्टाचार्य जैसे इंडस्ट्री वेटरन्स के लीडरशिप में लेकर आ रहे हैं इंडिया की पहली टोटली प्राइवेट स्पोर्ट्स लीग। 7 टीम्स, 24 मैचेस, रीजनल लैंग्वेजेस में लाइव टेलीकास्ट और एक स्पोर्ट का लॉन्ग ओवरड्यू रिकग्निशन। प्राइम वॉलीबॉल लीग का पहला एडिशन अपने आप में ऑलरेडी एक काफ़ी एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट है। मगर बेसलाइन वेंचर्स की ये वॉलीबॉल लीग शुरू करने की पहली कोशिश नहीं है। 2018 में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस कंपनी ने प्रो वॉलीबॉल लीग की शुरुआत की थी। 2019 फेब में ये लीग शुरू भी हुई पर उसके कुछ ही टाइम में VFI और बेसलाइन के बीच दरार पड़नी शुरू हो गई। VFI की हिस्ट्री रही है इन फाइटिंग और पॉलिटिक्स की, जिसके चलते इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन ने 2016 में इंडिया को इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन से 2 साल के लिए बैन भी कर दिया था। इसी इंटरनल पॉलिटिक्स का असर प्रो वॉलीबॉल लीग पर भी पड़ा, जहां पहला सीजन काफ़ी सक्सेसफुल होने के बावजूद लीग शट डाउन कर दी गई। VFI ने बेसलाइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का बहाना देकर। इस डिसीजन को बेसलाइन वेंचर्स ने कोर्ट्स में चैलेंज किया और नवंबर 2020 में मद्रास हाई कोर्ट के अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर ने इस कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन को गलत बताया और VFI को 4.5 करोड़ का कॉम्पनसेशन देने को कहा। बेसलाइन वेंचर्स इस दौरान सिर्फ कोर्ट वर्डिक्ट पर रिलाय ना करके ऑलरेडी प्लान कर रहे थे कि वॉलीबॉल लीग को वापस शुरू कैसे किया जाए। इस बार कंपनी का साथ दिया प्रो वॉलीबॉल लीग के टाइम के 3 फ्रेंचाइजीज और उनके ओनर्स ने, कोची ब्लू स्पाइकर्स और उनके ओनर थॉमस मुथूट, अहमदाबाद डिफेंडर्स और उनके ओनर प्रवीण चौधरी और कैलिकट हीरोज और उनके ओनर सफीर पीटी वापस आए लीग स्ट्रक्चर में एज टीम्स एंड फाउंडिंग मेंबर्स। ये एक मेजर बूस्ट था प्राइम वॉलीबॉल लीग और उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए। इन 3 टीम्स को ज्वाइन करेंगी 4 और टीम्स, हैदराबाद ब्लैक हॉक्स, चेन्नई ब्लिट्स, कोलकाता थंडरबोल्ट और बेंगलुरु टोरपीडोज, मेकिंग इट अ 7 टीम अफेयर। लीग के ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो ये USA की प्राइवेटाइज लीग्स NBA और MLS की तरह रहेगा, जहां टीम ओनर्स लीग में फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स भी रहेंगे और सारे डिसीजंस गवर्निंग बॉडी और टीम ओनर्स की सहमति से लिए जाएंगे। ये स्ट्रक्चर एक स्मूथ और स्टेबल ऑपरेशन ऑफर कर सकता है और हम होप करते हैं कि बाकी लीग्स की तरह प्राइम वॉलीबॉल लीग में भी ये कामयाब हो इन द लॉन्ग टर्म। फॉर्मेट की बात करें तो 7 टीम के इस टूर्नामेंट का पहला स्टेज राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाएगा, जहां हर टीम बाकी टीम्स के साथ एक एक मैच खेलेगी। फर्स्ट स्टेज के कॉम्पिटिशन के बाद लीग टेबल में टॉप 4 टीम सेमीफाइनल में मूव करेंगी और फिर ऑब्वियसली फाइनल। हर टीम 14 प्लेयर्स का स्क्वाड रख सकती है, जिसमें 12 इंडियन और 2 फॉरन प्लेयर्स हो सकते हैं। अब आती है ये टीम्स और स्क्वाड्स बनाने की बात। जो ऑक्शन का सिलसिला IPL से शुरू हुआ वो प्राइम वॉलीबॉल लीग में भी कंटिन्यू हो रहा है। इंडियन प्लेयर्स को टीम का हिस्सा बनाने के लिए 7 टीम्स ने ऑक्शन में पार्ट लिया, जहां 300 से ज़्यादा प्लेयर्स को प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। प्लैटिनम और गोल्ड कैटेगरीज में देश के टॉप प्लेयर्स रहे और अंडर 21 के प्रॉमिसिंग प्लेयर्स को सिल्वर और ब्रॉन्ज कैटेगरीज में रखा गया। इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए एक इंटरनेशनल प्लेयर ड्राफ्ट रखा गया, जहां 14 इंटरनेशनल प्लेयर्स को टीम्स ने पिक किया। टीम्स को स्क्वाड सिलेक्शन के लिए 75 लाख रुपए का बजट अलॉट किया गया था, जिसमें से करीब 25 से 30 लाख इंटरनेशनल ड्राफ्ट और बाकी रिमेनिंग अमाउंट ऑक्शन के लिए रखने के निर्देश दिए गए। 14 दिसंबर 2021 को प्राइम वॉलीबॉल लीग का पहला प्लेयर ऑक्शन किया गया, जहां 84 प्लेयर्स को
अलग अलग टीम्स में जगह मिली। इनमें इंडिया के स्टार प्लेयर्स जेरोम विनीत, कार्थिक ए और अश्वल राय को हाईएस्ट बिड अमाउंट मिले ऑफ 15 लाख रुपीज ईच। ये प्लेयर्स ऑलरेडी वॉलीबॉल सर्किट में नोन नाम है और इस प्राइस टैग के बाद सबकी निगाहें और ज़्यादा इनके परफॉर्मेंस पर टिकी होंगी। इनके अलावा और भी बड़े इंडियन खिलाड़ी इस लीग में देखने को मिलेंगे, जिनमें दीपेश कुमार सिन्हा, मनोज एलएम, अजीत लाल सी, अमित गुलिया, अखिन जीएस, पंकज शर्मा और विनीत कुमार जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। डेविड ली, कोल्टन कॉवल, एंटोनियो आरियस गुजमन और ब्रूनो डा सिल्वा जैसे इंटरनेशनल स्टार्स लीग में क्वालिटी को डेफिनेटली और बूस्ट करेंगे। प्लेयर्स और फैंस के अलावा स्पॉन्सर एंड पर भी इस लीग के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट देखने को मिली है। अभी तक ग्लोबल पेमेंट सर्विसेज कंपनी रुपए ने लीग के साथ 3 साल की टाइटल स्पॉन्सरशिप डील साइन की है, विद द लीग टू बी कॉल्ड रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म A23 ऑन बोर्ड आए हैं एज पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स और ईट फिट और निपॉन पेंट हैव बीन अनाउंस्ड एज एसोसिएट स्पॉन्सर्स। स्पोर्टिंग इक्विपमेंट कंपनी कॉस्को ऑफिशियल स्पॉन्सर रहेगी लीग की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शेयर चैट और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म मौज रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग के कंटेंट पार्टनर्स रहेंगे। ब्रॉडकास्ट पार्टनर्स की बात करें तो ये लीग सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर मल्टीपल रीजनल लैंग्वेजेस में लाइव दिखाई जाएगी। फैंस सोनी 10, 1, 3 और 4 पर टीवी पे ये लीग देख सकेंगे लाइव और लाइव स्ट्रीम रहेगा मैचेस का सोनी लिव पर। अभी हाल ही में ब्रॉडकास्टर्स ने रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग का पहला एड फिल्म प्राइम वॉलीबॉल जहां पब्लिक वहां रिलीज किया, जिसमें अनाउंस किया गया कि लीग 5 फरवरी 2022 को स्टार्ट होगी। सब मैचेस कोची में खेले जाएंगे। केरला में वॉलीबॉल का क्रेज और पेंडेमिक के चलते लिमिटेड वेन्यूज की इंपॉर्टेंस को देखते हुए इंडिया में पिछले डेकेड में काफ़ी स्पोर्ट्स लीग स्टार्ट हुई हैं। IPL ऑब्वियसली सबसे पहली लीग थी और एक्सपेक्टेडली बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनाया है क्रिकेट की दुनिया पर, टू द पॉइंट वेयर आज IPL वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग प्रॉपर्टीज में से एक है। बाकी स्पोर्ट्स लीग्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ और इम्पैक्ट रहा है प्रो कबड्डी लीग का, जिसने कबड्डी जैसे स्पोर्ट को देश के कोने कोने में पहुंचा दिया है। आज की डेट में प्रो कबड्डी लीग इंडिया में व्यूअरशिप फिगर्स में बाकी हर टूर्नामेंट से काफ़ी ज़्यादा है और सिर्फ IPL से थोड़ा सा पीछे है। उम्मीद यही है कि रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग अपने फुली प्राइवेटाइज स्ट्रक्चर और एक एक्साइटिंग फॉर्मेट के साथ इसी तरह का ग्रोथ दिखा पाएगी आने वाले सालों में। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर दबा दो ताकि आपके और हमारे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स फैंस तक ये वीडियो पहुंच पाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।